तुम्भे माता पिता रूप रे जत्ने पालन कर सखा हस दर भाव रे करी थाओ आदर गोविंद 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 जय राधे गोविंद नंदर नंदन प्रभुए भज परमानंद तुम्हे माता पिता रूपरे जत्ने पालन कर सखा सहोदर भावरे करिथाओ आदर गोविंद 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 जय राधे गोविंद नंदर नंदन प्रभुए भज परमानंद बंधु बांधवादी रूप रे संसार रे पूरी छ नाना विद्या सृष्टि करिण विद्याधर होई छ गोविंद 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 जय राधे गोविंद नंदन प्रभु हे भज परमानंद तब महिमा के बुझिव सब करी छ अंध नाना जाति द्रव्य होइन जीवे दियो आनंद स्वामी अंतर्जामी हे प्रभु आनंद कंद दुख हरे जगतपति हे जय सचिदानंद बोले भक्तवत्सल भगवान के जय तनु आम मानकर बापा आम मानकर माँ के आम मानकर पिता हेले सेई परम ब्रह्म आदिनायक भगवान आम मानकर माँ किए मो माँ सरला बापा हेले जगन्नाथ तो माँ हला सरला आ बापा होचंती जगत्रनाथ जगन्नाथ तेणु भगवान को निजर भावि दिंतु आपण मैने कारण सांग साथी साहा मोर बाल्यकाल को भारी जात साहा मोर वृद्ध काल को सांगसाथी आम मानकर बाल्यकाल को साहा एवं वृद्ध काला बेलू से पिला छुआ मानकर साहा कितु भगवान जगन्नाथ महाप्रभु जे कि काल काल को जन्म जन्मांतर पर्यंत जे आमर साहा से होचंती महाप्रभु से जगत्रनाथ जगन्नाथ तो सी सखा सहोदर भाव रे करिथाओ आदर तुम्भे माता पिता रूप रे जत्ने पालन कर कहले बंधु बांधवादी रूप रे संसार रे पूरी छ बंधु बांधवादी को स्वरूप रे ये संसार रे सबुठरे पूरी किरे अछंती अर्थ समस्त को आमे काकु निजर तळ बोली भाबिबा नै काकु कम दृष्टि रे देखिबा नै समस्त के भीतर भगवान अछंती याकु भलो याकु खराब याकु खराब याकु भलो केबे एही प्रकार भाव को आनिबा नै कहले बंधु बांधवादी रूप रे आपण बंधु एवं बांधवादी मानकर स्वरूप रे आपण संसार रे पुरीकिरे अछंती नाना विद्या सृष्टि करिण विद्याधर होच ए जगत रे आपण विभिन्न प्रकार विद्या सृष्टि करिछंती कारण प्रकृत रे विद्या कोन ना सा विद्या जा विमुक्त सियाला प्रकृत रे विद्या जे आमको मुक्ति प्रदान करि पारे कहले नाना विद्या सृष्टि करिण विद्याधर होइच बंधु बांधवादी रूप रे संसार रे पूरिच नाना जाति द्रव्य होइन जीवे दिए आनंद नाना जाति द्रव्य होइन जीवे दिए आनंद
आपण नाना प्रकार विद्या सृष्टि कले गोटे विद्या है परा विद्या अर्थ आपण को जानवर विद्या है परा विद्या आ गोटे अपरा विद्या आपण को छाड़ दिया जिते प्रकार विद्या रहा ताला अपरा विद्या तो परा विद्या और अपरा विद्या ये विद्या है दुई प्रकार बाबा से लिखिले नाना जाति द्रव्य हो नजे दिय आनंद तब महिमा के बुझ सब करछ अंध तो ये प्रभु आपणकर तो अनेक महिमा आपणकर एते महिमा जे आपण को केवा बुझिपार साधारण मनुष्य आपण को बुझिपार ना ये द्वापर जुगे भगवान कृष्ण रास करुले गोपी मैंने समय प्रभु कृष्ण को समर्पित कहते हे कृष्ण हे केशव हे जगदीश आम आपण को ये स्तुतिस्तव करुचु गोपिका गीत कौन ना तब कथामृत तप्त जीवनम कवि भीरीतम कर्म साप हम भज राधे गोविंदम राधे गोविंदम राधे गोविंदम भज राधे गोविंदम श्रावण मंगलम श्रीमदाततम भुवि गुणान तिते वत्सल भगवान के जे तुम्हें जदि मते नीति खोजुब भाव राजे हजि जी प्रभु जदि आपण मते नीति खोजुबे ताले मुझे भाव राज्य हजि जाती कारण आप खोजुंतना ताले मुझे भाव राज्य हजि जी तुम्हें जदि मोर हाथ धरी थी जाशु अंध है जो प्रभु मो हाथ धरी से अंध हवार तो किसी असुविधा ना प्रभु हाथ धरी माने मते मो प्रभु जुआड़े नहीं जीवे मुझे से मत ठीक रास्तार ही नहीं जीवे तेणु भक्तबंधु आखि थाई अंध हो जेबे ए भ्रमण रे कान थाई काल हो पुणी अति कौशले मुख थाई मुख जे हुए किसी बुझे से ही पंडित पण जे देखाए से हु गंजी हुए गोटे सुंदर भाव कहले अर्थ भगवान चाहिए देखु ना गोटे आखि थाई लोक को अंध करदेपारती कान थाई काला करदेपारती मुख थाई मुख करदेपारती आज पंडित पण देखा कारण पंडितर अर्थ कौन खाली वेद वेदांत उपनिषद को आम मन रखते आम पंडित होगा ता नुहे पंडितर प्रकृत अर्थ होला कौन ना पंडित समदर्शी नह श्रीमद भगवत गीतार भगवान कृष्ण कहते जे पंडितर लक्षण होला पंडित समदर्शी सी समस्त भितर भगवान को दर्शन कर पंडित समदर्शी सी समस्त भितर ईश्वर सर्वभूताना हृदय देश अर्जुन तिष्ठति पंडित समस्त भितर भगवान को लक्ष्य कर दश वृत्ति प्रति मानवे देखते मालिक से ही वृत्ति गण जार हो आयत दश वृत्ति दे प्रभु आम को दस जन सेवक दे प्रभु आम को कितु देखला बेलू आम से ही दस जन सेवक को आम सेवक कर पारने वर आम सेवक हो जाऊे ये दस वृत्य किए आमर दस टी इंद्रिय पाँच ज्ञानेन्द्रिय पाँच कर्मेन्द्रिय पाँच ज्ञानेन्द्रिय कौन पाँच कर्मेन्द्रिय कौन दस टी इंद्रिय कौन बाघ पाद पा पायु उपस्थ चर्म चक्षु जी हानसा कर्ण ये है आम मानकर दस गोटी इंद्रिय जो मैंने कि सदा सर्वदा कौटी था विषय भितर ही समस्त विषय जलायु भितर था भागवत तो अति बड़ी श्री जगन्नाथ से ही लिखिंट विषया जहार लोचन गोविंद हराए आत्मबुद्धि ज्ञान गोविंद 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 विषया जहार लोचन गोविंद हराए आत्म बुद्धि ज्ञान गोविंद 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 हे गोविंद मधु गलुछी मकरंद हे गोविंद।
भक्तवत्सल भगवान के तो आमे माने मालिक दशभृत्य दश इंद्रिय आमर चाकर कि तो आमे तांको कथार उठुचे तांको थारे बसुचे केमिति हबो ता हबो नाही एति बेवा लिखिले शरीर अटई जीवर दुख सुखर घर देह थिले रोग वैराग्य भोग करई नर गुरु स्वामी अंतर्जामी हे प्रभु आनंद कंद दुख हारी जगतपति हे जय सचिदानंद दुख भोग हुए रोगरु वैरागरु सुख विधिर विधान जा थाए आ न करे कि लोक गोविंद 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 जय राधे गोविंद नंदर नंदन प्रभु हे भज परमानंद चंचलन करि कदापि एहि विक्षिप्त चित्त उत्तम पथ कुन छाड़ी हुए धर्मे रत स्वामी अंतर्जामी हे प्रभु आनंद कंद दुख हारी जगतपति हे जय सचिदानंद बोले भक्तवत्सल भगवान कि ये शरीर हूँ जीवर सुख एवं दुखर घर अर्थ बाबा कहते शरीरटा हूँ गोटे घर जहाँ सुखर घर हो पारे आखर घर हो पारे कारण दुख प्रकृति कौन कि ना विभु को भूलिले सकल दुख विभु स्मरण मिल ये सुख प्रकृत दुख है विभु को भूली जावाटा आ प्रकृत सुख है विभु को स्मरण करवा यहीपाई तो शास्त्र कहते विपदं विस्मरण विष्णु संपद नारायण स्मृति विपद विस्मरण विष्णु विपद प्रकृति विष्णु को विस्मरण करदे आ संपद कौन ना संपद नारायण स्मृति नारायण को मन पकेवा नारायण को स्मरण करवा यहाँ है प्रकृत संपद बाबा सिंह लिखिले ये शरीर अटई जीवर दुख सुखर घर देह थिले रोग वैराग्य भोग करई नर कहले देह थिले रोग वैराग भोग करई नर देहटा अच्छे माने ए रोग भी स्वीकार करिया पड़ो वैराग भी भोग करिया को पड़ो कारण ए कलिजुगर मनीष दुईट जिनस चाह था कौन कौन गोटे भोग आ गोटे मुख्य भोग विलास रहा चाह था आ मुख्य है परमात्मा निकट में पहुँचे से चाह था भोग भोग किभली भाव में मिल थाए ना जदि आमे माने समस्ते चाहिबा भलरे खाइबि भलरे रहिबि भलरे सोइबि पैसा रोजगार करिबि एटा भोग मुख्य होला केवल प्रभु को पाई मोर जन्म जीवन को मु समर्पित कर देबि भगवान कर चरणारविंद रे आपण के कोन एमिति करिसेंति हां प्रेमानंद बाबा वृंदावन रो ब्रजर भगवान को निमन तांको जन्म जीवन को समर्पित करिसेंति जदि ए मनुष्य जन्म पाई भगवान के प्रति भक्ति न जन्मिला ये पिंड रे पुराण थाइकिरि जेते पुराण न थाइकिरि मध्य सेते कहले जदि से चरण नकल दर्शन से अष्टादश चिन्हयुक्त छंदा पदार बिंदे सदा मती रहू राधे कृष्ण रटी जीव गति पाऊ छंदा चरण जा इच्छा कर बंधा दे जीवन मोर जिते दुख अच्छी भवे देवे आनंद लभव जेबे सबू लधि दि मोर शिविर छंदा चरण जा इच्छा कर प्रभु कृपा कर शरीर प्रदान कर शरीर प्रदान कर सारापर भी जदि आम को चरण दर्शन ही ना प्रभुंर जदि आम को पाद पद्म दर्शन ही ना ते ए आखि दुटा थाइकि जिते न थाइकि से बेगे फुटी जा नयन दुई जदि प्रभु प्रति न जन्मेला भक्ति कि हेब पिंड प्राण थाए जदि आम जन्म हेले किंतु प्रभु प्रति भक्ति आमर न जन्मी से ही पर्यंत आमे आम जीवन रे उद्धार पाई ना प्रभु प्रति विश्वास न जन्मी आम उद्धार पाई ना भागवत क्या मूलटी अटई विश्वास कहई जगन्नाथ दास भगवान को प्रति विश्वास रखतु दुख भोग हुए रोगर वैरागर सुख विधिर विधान जा थाए आ न करे कि लोक चंचल न करी कदापि ये विक्षिप्त चित्त उत्तम पथ को न छाड़े हुए धर्म रत आम उत्तम पथ को न छाड़ी धर्म रत हवा आम कुपथ को पलाऊचे उत्तम पथ को आसी पारना उत्तम पथ आसा द्वारा कौन ना धर्म हम प्रथमे नार्जितम विद्यां द्वितीये नार्जितम धनम
तृतीय नार्जितं धर्मं चतुर्थिंकिं करिष्यामि। कहले प्रथमे विद्या, द्वितीय धन, तृतीय धर्म। प्रकृत धर्म कौन कि प्रकृत धर्म होला जो धर्म को बा जो कथा को वेदगण माने देवगण माने उभय सम्मति प्रदान करिचंती ता हला धर्म। तो आमे जदि धर्म को रक्षा करिया धर्म मध्ये आम को रक्षा करिवे। धर्म रक्षिते ही रक्षिता हा, धर्म को तुम्हें रक्षा कर, धर्म को मध्ये मु रक्षा करिवे। तमे जदि आम धर्म को रक्षा करिवो नै तुम आमे केमि तुम धर्म को रक्षा करिवो। प्रभु कहउचनी धर्म होला गोटिए। कौन गीतारे कहले ममई वंश जीव लोके जीव भूत सनातन मन हसष्ट निंद्रियाणी प्रकृति स्थानिकर्षति। प्रभुंकर यही जो श्रीमद भगवत गीता जाकि भगवान कृष्ण मुख निश्रुत वाणी जहाँ भगवान श्रीकृष्ण मुखर बाहरी प्रभु कहते आम धर्म होला प्रकृति रे सनातन धारयते ईत धर्म। धर्म होला गोटे, से धर्म होला सनातन। आमे समस्ते सनातनी, तो सनातन धर्मर मूल अस्त हो समस्ते। बाबा एतिपाई लिखी थे ना दुख भोग हुए रोगरु वैरागरु सुख विधिर विधान या थाए आन करे के लोक। गोविंद गोविंद जय राधे गोविंद नंदर नंदन प्रभु हे भज परमानंद। संचलन करि कदापि यही विक्षिप्त चित्त उत्तम पथ को न छाड़ी हुए धर्मे रत। गोविंद 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 जय राधे गोविंद नंदर नंदन प्रभु हे भज परमानंद। बोले भक्तवत्सल भगवान के जय। तुन मनीष जानवा दरकार दुखरे भी मोर जगन्नाथ, सुखरे भी जगन्नाथ, आनंदरे भी जगन्नाथ, विषादरे भी जगन्नाथ। मनीष जीवन आरंभ हुए आगे कांदीबारु। गीतार आरंभ देखुना विषादग्रस्त, आगे विषाद रु श्रीमद भगवत गीतार आरंभ हो, दुख रु आरंभ हो। दुख नाशन एकमात्र जणीए, ये जगत दुखी समस्ते दुख नाशन होती एकमात्र जणीए। से प्रभु जी कि दुख नाशन हे सुख न पाइली दीने। 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 बेलु बेल दुख प्रबल हेलाणी। भक्तवत्सल भगवान के जय। दुख नाशन हे सुख न पाइली दिने। बेलु बेल दुख प्रबल हेलाणी बिजुली जेसने घने। दुख नाशन हे सुख न पाइली दिने। ए जीवन रे सुख पाई मो दिन गलानी, ए जीवन रे दुख पाई पाई मो दिन गला। दुख प्रभु कौन पाई दे थांदी, से दुख भितर अंत मत स्मरण कर जीवन सर्वश्रेष्ठ आनंद को से प्राप्ति कर पारि थाउ। आ भगवान को चिंतन करवाठू बड़ आनंद कौन थे, भगवान को नाम संकीर्तन करवाठू बड़ आनंद कौन थे। अंत तो आम तो दुख समय थोड़े डाक दवा जगन्नाथ, से जगन्नाथ डाके दवा मात्र के से जो आनंद टी से आनंद बोध आ कि न थपे, ताठू बड़ आनंद बोध आ कि न थपे। तेणु भक्त बंधु प्रभु निजे होती आनंदर कंद, सीए सचिद आनंद, सीए परम आनंद, आनंद कंद सचिद आनंद, चिन्मयानंद नयनानंद, सी अनेक प्रकार आनंदर अधिकारी। आम देखु केते प्रकार विशेषण दौड़े भगवान प्रति, आनंद कंद सचिदानंद चिन्मय घन अचरण शरण पद्म पलाश लोचन अघटन घटन अकारण कारण करुणार वृणालय भक्तवांछा कलपत्र भक्त वस्त्र शरणागत वस्त्र दीन दयालु कृपाणु परम दयालु दुष्ट निवाड़ी संतपाल होती प्रभु। तो आम जहाँ प्रकार विशेषण को जोड़ुचे तेनालीर कथा को तांकर महिमा को केही भी कोई सारी परिवे नाई। ये द्वितीय परिच्छेदर नवम बलीर कथा।
ये नवमूल्य कथावस्तु को जी श्रवण करे सी नव निधि को पाई सी नौ प्रकार भक्ति को पाई न भक्ति श्रवण कीर्तन स्मरण पाद सेवन अर्चन वंदन दास्य सख्य आत्मनिवेदन न भक्ति मिलवाटा सुनिश्चित जे बाया गीतार नवम बल्ड कथावस्तु को श्रवण करेंगे आपण मैने नवम बल्ड कथा को श्रवण करने धार्य करूँ जे मु भोग इच्छा करी ना मुख्य इच्छा करी मोपाई कौन आवश्यक यार गोटे निर्देश है भोग आ गोटे मुख्य मुख्य कौन आम तो जानते भोग कौन भल रल खाइबा भोग मुख्य कौन ना आत्मा परमात्मा सहित मिलित हवा को जोग हवा को कौन कहा जाए ना मुख्य बोलिकी कहुए मुख्य एक साधारण शब्द नुहे मुख्य भी एम से मिले ना मुख्य केमी मिले ना ध्यान मूलम गुरु मूर्ति पूजा मूलम गुरु पदम मंत्रम मूलम गुरु वाक्यम मुख्य मूलम गुरुर कृपा ताले जीव को मुख्य केत मिली थाए ना जिते गुरु कृपा ही थाए से पर्यंत जीव को मुख्य मिल पार न थाए जो पर्यंत गुरु को कृपा ही न थांते कहले ध्यान मूलम गुरु मूर्ति गुरु का मूर्ति को कौन करवा ना ध्यान करवा ना पूजा मूलम गुरु पदम पूजा करवा क्या गुरु पाद पद्म को मंत्र मूलम गुरुर वाक्यम गुरु मंत्र हला गुरु वाक्य गुरु आमको जो यही प्रदत्त मंत्र को प्रदान कले गुरु वाक्य हिसाब से पालन करवा आ मुख्य केते बड़े मिले ना मुख्य मूलम गुरु कृपा मुख्य सेते बड़े मिले जिते बड़े गुरु कृपा हो जाए तो ये भोग आ मुख्यर संवाद जैक द्वितीय परिच्छेद नवमूल्य कथा तो भक्तबंधु आज तो समय हो जाए आज कथावस्तु को ये विश्राम परिशेष भगवान दुई बार नाम संकीर्तन कथावस्तु को विश्राम प्रेम से बोल गोविंद जय जय गोपाल जय जय 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 राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय बोले भक्तवत्सल भगवान की।